हाय, मैं गहना वशिष्ठ। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉन नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं इन सारी सीरीज में। उससे भी कम बोल्डनेस है, जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉन है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉन की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फर्क समझ में आता होगा कि पॉन और एरोटिका में क्या फर्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे, तो वो उसका मेकर है या वो पॉन है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे, इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, कि गलत नहीं करेगी और चीजों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं, जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है, ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोज हैं उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि प्लीज एरोटिका को पॉन से मिक्स ना किया जाए। थैंक यू।